मौसम के असरात को खत्म करने के लिए ये जो सबसे छोटे वाले पत्ते होते हैं, ये पत्ते हमें हर खाने के साथ एक चमचा इसका मूली के चटनी का खा लें तो आपको मजा भी आ जाएगा, हजम भी खाना जल्दी होगा। जैसे हम फूल जाता है, पेट फूल जाता है, तो ये आपको सारी उन चीजों से दूर करेगा। चिकनी चीजें हम खाते हैं सर्दियों में ज्यादा, फिश वगैरह ये सब चीजें खाई जाती हैं, फ्राई चीजें ज्यादा खाई जाती हैं, आपके जिगर पे ये चर्बी नहीं आने देगा, फैटी लीवर जैसे होता है, और दूसरी बीमारियों के लिए भी, सेहत का खजाना जिसे कहते हैं, मोटापे को कम करने के लिए। ये हाजमे वाली चटनी बिल्कुल रेडी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज हम बनाने जा रहे हैं मानो के किचन में मूली की चटनी, और ये मूली की चटनी बहुत ही हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। सर्दियां हैं, इसमें मूली आती है, तो ज़रूर बनाइएगा। इससे बहुत हाजमा और बहुत सारी बीमारियों से, जिगर की बीमारी के लिए मूली बहुत मुफीद है, और दूसरी बीमारियों के लिए भी मूली बहुत, सेहत का ख़जाना जिसे कहते हैं वो मूली में मौजूद है, गैस के लिए, मोटापे को कम करने के लिए। तो इसलिए आज हम बना रहे हैं मूली की चटनी। उसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद मूलियाँ लिए हैं, मैंने नमक लिया है 1.5 टीस्पून, ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, हरा धनिया लिया है 1/2 बंच लिया है, और पुदीने का भी मैंने 1/2 बंच लिया है, लहसुन लिया है मैं 1 और आधा बंच ले लिया है, और ये लिए है मैंने अदरक, ये मैंने लिया है 2 इंच का पीस था, उसको मैंने पीसेस कर लिए हैं, और 10 मैंने लिए हैं हरी मिर्चें। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए पहले हम ये मूली को कट करेंगे। अच्छा, हमने मूली के जो है पत्तों में से पत्ते अभी नहीं फेंकने, इसके अंदर जो ये पत्ते होते हैं, ये जो सबसे छोटे वाले पत्ते होते हैं, ये पत्ते हमें खाना हजम करने में मदद देते हैं, तो इन पत्तों को हमने निकालना है, ये भी हमने इसमें ऐड करना है दोनों मूली के, और इसको हम कट कर लेंगे रफली सा। ये हमने रफली से कट कर लिए हैं, हमने मूली को छील लेंगे। अब मूली की चटनी बनाने के बाद जब आप इसे खाएंगे, आप हर खाने के साथ एक चमचा इसका मूली के चटनी का खा लें, तो आप देखिएगा आपका खाना, क्योंकि सर्दियों में भूख भी ज़्यादा लगती है और खाने का हजम जो होता है वो मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए आप हर खाने के साथ इस चटनी को खा सकते हैं। थोड़ा सा, एक चमचा बस रोज़ाना का आप हर खाने के साथ इसका ले लें, तो बहुत ही मज़ेदार सा, एक तो आपको मज़ा भी आ जाएगा और उस पर आपको हजम भी, खाना जल्दी होगा, और जो पेट में हमारे गैसेस वगैरह बन जाते हैं सर्दियों में, चूंकि गैस भी बहुत हो जाती है जिस्म में, इसकी वजह से भी आपका जिस्म फूल जाता है, पेट फूल जाता है, तो ये आपको सारी उन चीज़ों से दूर करेगा, और खाने पीने में हाजमे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और चिकनी चीज़ें हम खाते हैं सर्दियों में ज़्यादा, फिश वगैरह ये सब चीज़ें खाई जाती हैं, फ्राई चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, तो उसमें भी आपके हजम के लिए, आपके जिगर पे ये चर्बी नहीं आने देगा, फैटी लीवर जैसे होता है, उसके लिए मूली बहुत ज़्यादा मुफीद है, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा इसका। एक चमचा अपने बच्चों को भी, आप लोग भी घर में ज़रूर बना के खाएं इसका एक चमचा। इसको भी हम इसी तरह रफली कट कर लेंगे। ये मौसम के हिसाब से जो सब्ज़ियाँ आती हैं वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें, सब्ज़ी होती है, फल होती है, जितने भी फल हैं सब इस्तेमाल ज़रूर किया करें मौसम के हिसाब से, क्योंकि ये आपको मौसम से बचाने के लिए खुदा की कुदरत है कि वो हर मौसम के हिसाब से उसने फल बनाया है, तो वो उसमें ज़रूर मौसम के असरात को ख़त्म करने के लिए सामान होता है। तो चलें जी, ये हो गया हमारा, मूली हो गई है रेडी, हरा धनिया, हरी मिर्चें मैंने जो लिए हैं 10 अदद लिए हैं, जिसमें से मैंने 2-3 जो हैं रेड कलर की भी ली हैं, और वो रेड कलर के लेने का मकसद ये था कि जी जब हम चटनी बनाएं तो उसमें थोड़ा सा हमारा रेड कलर भी अच्छा सा नज़र आए, और हरा धनिया भी हाजमे को बेहतर करता है, आपके निज़ाम हजम को, दिमाग को बहुत अच्छा तेज़ करता है, हरा धनिया ज़रूर इस्तेमाल किया करें। पुदीना जो है, पुदीना भी हमारे पेट की सफाई के लिए और हाजमे के लिए बहुत मुफीद है। ज़ीरा जो है वेट कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये भी, लहसुन हमारे बीपी के लिए बहुत अच्छा, कि अगर हम एक लहसुन रोज़ाना एक जवा अगर इसका लहसुन का खाते हैं तो हमारा बीपी कंट्रोल में रहता है। अदरक भी वेट कम करने के लिए और हजम के लिए बहुत अच्छी है। हरा धनिया, पुदीना,
लहसुन अदरक, मूली को हम सबसे एंड में इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें भी बहुत अच्छा अपना एक किरदार अदा करती हैं इस चटनी में। चलें करते हैं इसको ग्राइंड। पहले हम अपने इस मसाले को ये हमारा बहुत अच्छा सा मसाला हो गया है, देखिए कितना अच्छा सा बन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मूली। अब इस मसाले में हम ऐड कर देंगे अपनी मूली। ये आप पराठों के साथ भी बहुत अच्छे से खा सकते हैं। जीरा भी हमने ऐड कर दिया इसमें और नमक भी मैंने ऐड कर दिया। कर देंगे हम इसको बंद। ये देखिए बहुत फाइन सी चटनी हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत चटनी। देखिए ये हमारी हाजमे वाली चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए इसमें रेड कलर जो मैंने रेड वो डाली थी लाल वाली मिर्चे, तो देखिए इसमें रेड कलर जो आ रहा है वो अच्छा लग रहा है। चटनी की शक्ल बहुत प्यारी है और कलर बहुत अच्छे आ रहे हैं इसमें। और ये हमारी हाजमे वाली चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आप इसको सेव कर सकते हैं। मैंने इसे जार में भर लिया है। सारी जो चटनी मैंने बनाई थी मैंने उसे जार में भर ली है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ चटनी इतनी अच्छी और बहुत ही टेंडर। देखें इसका बिल्कुल बहुत अच्छी और जूसी चटनी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी एक नई वीडियो में।